जनपद संभल के चंदौसी में समाजवादी पार्टी की 31 विधानसभा चंदौसी से आवेदक मिथिलेश भारती ने अपने आवास सेमा टोला पर महिला सभा सम्मेलन में जिला अध्यक्ष श्रीमती संगीता यादव का स्वागत किया और संगठन विस्तार पर चर्चा कर महिलाओं का परिचय कराया। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए संभावित प्रत्याशी मिथिलेश भारती ने कहा कि आदिवासी से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने की अपील की। मिथिलेश भारती ने बताया कि महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव हमेशा से लड़ाई लड़ते आए हैं। सपा सरकार में ही महिलाएं सुरक्षित रहती हैं। वहीं मीडिया से बात करते हुए महिला जिला अध्यक्ष संगीता यादव ने कहा, सपा सरकार बनने पर समाजवादी पेंशन 500 से बढ़कर 1500 प्रतिमाह कर दी जाएगी। बिजली के बिल में 300 यूनिट तक मुफ्त किया जाएगा। दवाई पढ़ाई सिंचाई मुफ्त होगी। सपा सरकार में अखिलेश यादव ने महिलाओं के लिए बहुत कार्य किए हैं। आगामी चुनाव में सरकार बनाने के लिए महिलाओं से जुटने की अपील की। जल्दी महिला विधानसभा सम्मेलन किया जाएगा। मैं पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ और आज के इस कार्यक्रम में मुझे सम्मान देने के लिए मिथिलेश भारती जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और साथ ही ये कहना चाहूँगी कि समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा से महिलाओं को सम्मान देती आई है। मैं खुद समाजवादी पार्टी में एक लंबे समय से काम कर रही हूँ। मैंने देखा कि जैसी समाजवादियों की सोच है, जैसी हमारे नेताओं की सोच है, चाहे उस एम्बुलेंस 102 हो, 108 हो, या फिर महिलाओं को स्पेशली महिलाओं के लिए चलाई गई योजना 1090 हो, कन्या विद्याधन हो, या फिर हमारी बेटियों के लिए साइकिलों वगैरह की व्यवस्था हो, ये सारी चीज़ें समाजवादी सरकार में किए गए। और महिलाओं के लिए और क्या कहेंगे आप? आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि जब समाजवादी सरकार आएगी तो सबसे ज़्यादा जो योजनाएं होंगी वो महिलाओं के लिए ही होगी। और बहुत उम्मीद के साथ महिलाएं आज अखिलेश आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ देख रही हैं। उन्हें लगता है, जहाँ तक है, जो समाजवादी पेंशन पिछली समाजवादी सरकार में 500 रुपये थी, वो आगे बढ़ाकर 1500 रुपये करने का काम किया गया है। और उसके अलावा और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो पहले से चलती आ रही हैं, वो पूरी तरीके से महिलाओं को सहयोग किया जाएगा। महंगाई जो आजकल बहुत महंगाई है, पहले जो ऐसा नहीं था, हर चीज़ बहुत सस्ती थी। एक तरफ तो लोग कहते हैं, मतलब दूसरी पार्टी वाले, कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन जब महंगाई इतनी बढ़ेगी तो बेटी कहाँ से पढ़ेगी। और बहुत सारी चीज़ें हैं, सड़कें हैं और महंगाई है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत उल्टे सीधे काम हो रहे हैं।